स्वच्छता के प्रति एक ओर जहां देश के प्रधानमंत्री द्वारा पहल किया जा रहा है, वहीं स्वच्छता की श्रेणी में झारखंड का इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर 66वें पायदान पर खड़ा है। आखिर क्यों, कब बदलेगी हमारी आदत, कब बदलेगी हमारी सोच? जहां तहां कूड़ा करकट फेंकने की हमारी प्रवृत्ति ने ही हमें आज यहां लाकर खड़ा कर दिया है। जमशेदपुर जैसे हरे भरे क्लीन सिटी ग्रीन सिटी को मुंह की खानी तब पड़ी जब हमारा शहर जमशेदपुर स्वच्छता की श्रेणी में 66वें पायदान पर आ खड़ा हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए किसी न किसी रूप में हम और हमारी आदतें ही जिम्मेवार है। जहां तहां कूड़ा फेंकना, गंदगी फैलाना हमारी प्रवृत्ति में शामिल है। सड़कों पर सफाई कम, गंदगी ज्यादा नजर आ रही है। इस संबंध में हमने बुद्धिजीवियों से बात की। सबसे पहले तो बच्चों को, हम लोगों को खुद से घर में और उनके जो एरिया है उसका, उसको उनको साफ रखना सिखाना है। जैसे ही वो लोग अपना अपना एरिया कवर करके साफ रखेंगे, वो एक कदम हमारे लिए आगे होगा। सबसे पहले तो ये बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए कि जो भी कचरा है वो डस्टबिन में ही डालना है। और अगर हम लोग बाइफर्केट करके डाल सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल करके ऐसे भी अगर हम लोग डाल सकते हैं और उसको उस तरह से डिस्पोज करें, तो आई थिंक इट विल हेल्प सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम अलॉट। मैं इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और मौके के रूप में देखता हूँ कि जमशेदपुर वासियों को इससे एक सीख लेनी चाहिए कि अगर हम जमशेदपुर को अव्वल शहर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें सफाई का योगदान होना चाहिए। स्वच्छ शहर सबके लिए स्वच्छता प्रदान करेगा और एक हाइजीनिक और हेल्दी शहर में आएगा। और ये जिम्मेदारी सबकी बनती है, सिर्फ सरकार की नहीं और टाटा स्टील की नहीं, बल्कि हर नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी समझे और पूरे जमशेदपुर को अपना घर समझे, तभी ये शहर साफ सुंदर लग सकता है। हम जमशेदपुर को एक बहुत प्राइड होता है जमशेदपुर के बारे में, जब हम कहीं पर भी बात करते हैं सुनते हैं जमशेदपुर को फर्स्ट स्टील सिटी, ग्रीन सिटी, बहुत स्पोर्ट्स सिटी, कल्चरल सिटी के नाम से जाने जाते हैं। इसमें एक और भी जुड़ना चाहिए कि किस तरह जमशेदपुर को एक साफ सुथरा स्वच्छ सिटी और हेल्दी सिटी, बल्कि हेल्दी से ज़्यादा हमें एंटीसेप्टिक कॉन्सेप्ट पर विश्वास जाना चाहिए कि कहीं पर भी गंदगी होगी वहाँ का मच्छर कहीं पर भी जाके बीमारी फैला सकता है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के एरिया को साफ रखें। मुझको बहुत अफसोस हुआ कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ है, तो मेरी पत्नी ने कहा कि शायद कुछ डिस्पोजल का जो है उसमें कमी है, कि हम लोग जो डिस्पोज जो कर रहे हैं वो उसके ऊपर में गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है या कुछ एजेंसीज जिसको गवर्नमेंट ने लगा दिया है और टाटा स्टील ने भी लगा दिया है वो इसके ऊपर में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर में नजर रखनी होगी, टाटा स्टील को भी नजर रखनी होगी कि वो जो वेस्ट डिस्पोजल है वो उनको सही जगह पर वेस्ट को फेंका जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है। और आजादी के इतने वर्षों बाद भी कहीं ना कहीं आज भी बारंबार ये कहावत सच नजर आ रही है, क्योंकि भारतवर्ष के गांव असल में शहर के गगनचुंबी इमारतों से कई मामलों में बेहतर हैं। और अगर बात करें तो साफ सफाई की, तो हमारे गांव आज हमारे शहर को काफी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। आजादी के बाद हमारे भारतवर्ष में कई बदलाव आए, दिन प्रतिदिन नए नए तकनीकों का आजाद हुआ और हमारा देश आज चांद और मंगल तक पहुंच गया है। पर कहीं ना कहीं आज भी असल भारत गांव में ही बसता है। बात अगर जमशेदपुर जैसे उन्नत शहरों की करें, तो यहां भी पाते हैं कि जमशेदपुर के शहरी व रिहायशी इलाकों से ज्यादा सफाई शहर के बाहर ग्रामीण इलाकों में ही है।
हालांकि कालांतर में कई विकृतियों के कोप के बावजूद ये सूचना हमें सुकून देती है कि हमारा असली भारत सफाई के मामले में अव्वल है। कच्ची पक्की गलियों के बीच गंदगी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अगर कहीं मिल भी गई तो ये मात्र संयोग होगा। जहां एक तरफ शहर के पॉश और रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों के सामने ही कचरा फेंकने के आदि हैं, वहीं इन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग केवल घर ही नहीं बल्कि अपने आसपास और मुख्य सड़कों को भी साफ और स्वच्छ रखते हैं। जमशेदपुर शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र जैसा छोटा बांकी, टीमकाटी, बीको, विषय जी, कोटकोडा, बड़ा बांकी, बाबलाडी, कुदलू, इंदुरमाटी जैसे ग्रामीण इलाके शहर के सफाई को मुंह चिढ़ाती दिख रही है। हम लोग जो पूजा दिवाली आते हैं, टुसु पर्व आते हैं, हर पूजा आते हैं ना, उसी समय हम लोग सफाई लिपाई करते हैं। हम लोग बाहर भी सफाई है, अंदर भी सफाई है, हर महीना महीना हम लोग सफाई रखते हैं। वो झाड़ू वाड़ू लिपाई लिपाई कर रखते हैं हम लोग, रोग बीमारी नहीं होते हैं। अच्छा ये सुंदर अगर रखेगा घर द्वार, कोई बीमारी नहीं आएगा। अगर कचरा रखेगा हर बीमार पकड़ लेगा। लगाया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत भलाई किया है, बहुत सुंदर किया है। हर गांव में ऐसा होना चाहिए, हर गांव में ऐसा ही होना चाहिए, इसे सफाई सुथर इसे ही होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब NH 33 से हम इन गांव में प्रवेश करते हैं तो कुछ दूर तक सरकारी उबड़ खबड़ रास्तों से गुजरकर जब गांव तक पहुंचते हैं तो अचानक से ही सड़कों में सफाई नजर आने लगती है। भले ही ये सड़क कच्चे हो पर ये शहर के पक्के सड़कों से काफी ज्यादा साफ दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करें गाँव के मोहल्लों की तो भले ही यहाँ ज्यादातर घर कच्चे हो पर इनमें इतनी सफाई नजर आती है कि नजारा बस देखते ही बनती है। गांव में साफ सुथरा रखते हैं और वातावरण अच्छे होते हैं। हम लोग कचरा ज्यादा दूर में फिरते हैं और साफ सुथरा रखने से हम लोग का बच्चा सब अच्छे हैं और सुस्त रहते हैं। हम लोग आचड़ा कचड़ा करते नहीं है और शहर से हम लोग गांव में थोड़ा साफ सुथरा रखते हैं। वहीं इन गांव के कच्चे घरों में सजावट भी की जाती है। घरों को मिट्टी से लेपने के बाद यहां रंग रोगन भी किया जाता है और उसके बाद ऊपर से सजावट की जाती है। घर के बाहरी हिस्सों में कई आकर्षक फूलों के पेड़ लगाए गए हैं जिससे इन घरों की रौनक में चार चांद लग जाता है। ग्रामीणों की माने तो इनका प्रयास रहता है कि वे अपने निवास स्थान और आसपास के इलाकों में सफाई रखते हैं और इस कारण से गांव में बीमारियां नहीं फैलती है। हमारा घर गांव घर साफ सफाई रखा लगे तो हमारा चेष्टा करछी किंतु जाते चेष्टा करा जाए जे या थेके आरोटुको भालो जेनो रखते परा जाए। हमारा नोगरा माने हमारा सामने कचरा करी नहीं, नोगरा बहुत दूरे फेंकी, एजन्य हमारे एकटुको साफ स्वच्छ परिष्कार। बहरहाल जो भी हो पर इन दृश्यों को देखने के बाद इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि हमारा असल भारत हमारे उन्नत शहरों से कई ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है। हालांकि यहाँ शहर के तरह कुछ आधुनिक सुविधाएं तो नहीं है पर शहर से ज्यादा यहाँ लोग प्रकृति से जुड़े नजर आते हैं और कहीं ना कहीं ये फक्र की बात है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान में ये गांव शहरों से आगे है। जमशेदपुर से MG News के लिए सुमित झा की रिपोर्ट।